मैं आपके सामने एक स्प्लेंडर प्लस का रिव्यू करने जा रहा हूँ। क्या रिस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है। इस गाड़ी को यूज़ करते हुए मेरे को अभी तक 6 साल हो गए हैं और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा ये गाड़ी जैसे जब जैसे 17,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, क्या इसका रिस्पॉन्स है, क्या अभी तक फीडबैक है, इसको मेरे को यूज़ करते करते क्या अभी तक मुझे को दिक्कतें आई, क्या क्या परफॉर्मेंस है, क्या माइलेज है, आपको मैं इसकी सब जानकारी दूंगा। बस आप मेरे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आप फ्रंट से इसका व्यू देख सकते हैं, इसमें आपको 18 इंच के टायर मिलते हैं और ड्रम ब्रेक आपको ऑफर किया जाता है कंपनी थ्रू। अभी इसमें 2019 के मॉडल में इसमें डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन आ रहा है, जो लेना चाहे 2000 रुपये एक्स्ट्रा देकर डिस्क ब्रेक ले सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं 4 ट्रांसमिशन वाले गियर मिलते हैं, चारों गियर आपके पीछे लगते हैं और आगे से आपका न्यूट्रल होता है, गियर डाउन होता है और पीछे गियर लगता है। यहाँ पे आपको 97.2 cc का इंजन मिलता है, अप्रॉक्स 100 cc का आपको इंजन मिलता है और यहाँ पे पेट्रोल का ऑन ऑफ वाला है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये आपका यहाँ पे चोक दिया हुआ, अभी मेरी गाड़ी चोक में नहीं, अगर यहाँ मैं ऊपर कर दूँगा तो ये मेरी गाड़ी चोक में चली जाएगी और नीचे कर दूँगा तो ये चोक से हट जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैसे आपको कंट्रोल करना है, कैसे आपका न्यूट्रल होगा, राइडर के बारे में सब कॉशन वोशन सब आपको दिया गया है। यहाँ पे ये पेट्रोल टैंक है, इसमें 10.5 लीटर की कैपेसिटी है, अप्रॉक्स 11 लीटर में पेट्रोल अट जाता है। हैंडल बार पे जैसा आप देख सकते हैं ये लाइट के स्विचेस दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ इंडिकेटर मिलता है और ये आपको यहाँ पे हॉर्न मिलता है और यहाँ पे आपको ये हाई बीम और लो बीम का मिलता है। ये किक वाली गाड़ी, इसमें इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं मिला और ये मेरा एक्सीलेटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे साइड स्टैंड भी ऑफर किया जाता है कंपनी के थ्रू इसमें, और यहाँ पे मेरी गाड़ी अभी डबल स्टैंड पे लगी हुई है। बैक साइड में भी आपको अभी यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक ही ऑफर किया जाता है कंपनी थ्रू। और देख सकते हैं जैसे कि ये इसका साइलेंसर है और यहाँ पे ये इसका पीछे टेल लाइट है और ये एक साइड इंडिकेटर और एक सेकंड साइड इंडिकेटर, ये इसका रिफ्लेक्टर लाइट है जो आपको रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके चाबी खोलेगा, ये लॉक है। यहाँ पे आपको स्प्लेंडर प्लस की एक बहुत ही अच्छी बैचिंग आपको मिलती है हीरो की तरफ से। और यहाँ इसके अंदर आप खोलेंगे तो आपको इसके अंदर कंपनी एयर फिल्टर मतलब आपको ऑफर होता है। और यहाँ पे सेकंड साइड में यहाँ पे आपको एक मिलता है, यहाँ पे आपको अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे गाड़ी की बैटरी मिल जाएगी जो रिचार्जेबल है। और यहाँ पे आपको ये टूल किट मिलता है यूटिलिटी, इसमें आपको अच्छी खासी स्पेस मिलती है, आप इसमें मतलब कुछ भी अपनी यूटिलिटी जैसे सामान रखते हैं, जैसे मैंने RC और पेपर ऊपर रखे हुए हैं तो आप मतलब ये बहुत ही सही है, आप अपना जो भी टूल किट रखना चाहें आप इसमें रख सकते हैं विदाउट कोई प्रॉब्लम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंडिकेटर का ब्लिंक मिलता है, जब आप वो न्यूट्रल का ब्लिंक मिलता है जब आपकी गाड़ी न्यूट्रल में रहेगी तो ये ग्रीन कलर का लाइट जलेगा, जब आपकी गाड़ी न्यूट्रल में रहेगी तो ये लाइट जलेगा। और यहाँ पर आपको अप एंड डाउन का मिलता है, जो आप लाइट अप एंड डाउन करते हैं हाई बीम लो बीम पर। और यहाँ पर कुछ दोनों साइड के इंडिकेटर मिलते हैं और ये आपकी गाड़ी इग्निशन पे भी ऑफ हो गई इग्निशन, और आप इसको यहाँ से अपना हैंडल लॉक भी कर सकते हैं विदाउट कोई प्रॉब्लम। दोनों ही आपको हैलोजन बल्ब ऑफर किए जाते हैं कंपनी थ्रू। और जैसे कि आप देख सकते हैं मड गार्ड, अभी तक मुझे इस गाड़ी से कोई भी मेन प्रॉब्लम नहीं आई है। और कंपनी इसको ऑफर करती है कि कंपनी क्लेम करती है कि आपको 80.6 का इसमें माइलेज क्लेम मिलेगा, लेकिन मेरा अभी तक 6 साल तक रिस्पॉन्स है कि इसमें मतलब 60-65 का माइलेज आपको बाइक एकदम आराम से दे देगी, एकदम नॉर्मल सिटी यूज़ में ही आपको दे देती है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे को मतलब 60 के आसपास का माइलेज इसमें मेरे को एकदम ईजिली मिल जाता है। और आप इसका साइड लुक देख सकते हैं, साइड लुक से ये गाड़ी बहुत ही सही लगती है, इसमें कोई भी आपको उसकी तरफ इशू कोई भी प्रॉब्लम, एकदम सिंपल गाड़ी है। और ये आपको अराउंड 55,000 ऑन रोड गाड़ी आराम से मिल जाएगी विदाउट कोई प्रॉब्लम की। अब तो गाड़ी में बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स आने लगे हैं, लेकिन ये मेरी गाड़ी 6 साल पुरानी है और इसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए, मुझे अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, एकदम रफ़ एंड टफ़ यूज़ करने वाली गाड़ी है, एकदम आप इसे रफ़ एंड टफ़ एकदम यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप अपनी गाड़ी मेंटेन रखेंगे तो आपको इससे अच्छा फीडबैक मिलेगा, और अगर अपनी गाड़ी मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपको ये गाड़ी 30 का भी एवरेज नहीं दे पाएगी। बस मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करने जा रहा हूँ, और अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू।